स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EN हिंदी पर। आज है 6 दिसंबर 2020 और 6 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम हिमाचल प्रदेश से आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। घर में उपचाराधीन कोरोना रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त वाहन, सीएम जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के तहत कोविड मरीजों को उनके स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में लाने के लिए चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अतिरिक्त वाहन दिए जाएंगे। इन वाहनों में ड्राइवर केबिन को पिछली सीट से अलग करने के लिए फाइबर ग्लास लगाया जाएगा। ऐसे हर संस्थान में 2 वाहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए जिलों के संस्थानों को भी 30 वाहन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लोगों के कोविड के नमूने एकत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर वॉक इन कियोस्क स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि घर में उपचाराधीन कोविड मरीजों को उनकी स्वास्थ्य की पूछताछ के लिए चिकित्सकों की ओर से कम एक टेलीफोन कॉल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। गर्म पानी और स्टीमर की व्यवस्था करें। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी कोविड वार्डों में मरीजों की सुविधा के लिए गर्म पानी और स्टीमर की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मरीजों के लिए स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हिमाचल में इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू, सरकार के प्रवक्ता ने दी जानकारी। हिमाचल में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों की सुविधा के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरंभ किया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो लोग प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार के आयोजन करना चाहते हैं, वह उसका पंजीकरण www.covid.hp.gov.in पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में लोगों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल आरंभ किया गया है। हिमाचल में कोरोना के 905 नए संक्रमित मरीज, 14 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 905 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 14 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार चंबा जिला के बरौर के रहने वाले 67 वर्षीय व्यक्ति, लाहौल स्पीति जिला में 77 वर्षीय महिला व 78 वर्षीय व्यक्ति, टांडा मेडिकल कॉलेज में बैजनाथ क्षेत्र के रहने वाले 85 वर्षीय व्यक्ति व मोहन कांगड़ा के 67 वर्षीय व्यक्ति, बिलासपुर में 78 वर्षीय व्यक्ति, मंडी जिला के रिवालसर में 52 वर्षीय तिब्बती व्यक्ति, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हमीरपुर जिला के चमनार गाँव के 82 वर्षीय व्यक्ति, IGMC शिमला में चिरगांव के कच्छधार के 40 वर्षीय व्यक्ति, जुब्बल के 63 वर्षीय व्यक्ति, हमीरपुर के बराहर की 72 वर्षीय महिला व कसुमपटी के 83 वर्षीय व्यक्ति, सोलन जिला में 73 वर्षीय व्यक्ति व 58 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। वहीं प्रदेश में शनिवार को आए 905 नए मामलों में शिमला के 243, मंडी के 204, कांगड़ा के 113, सोलन के 112, चंबा के 52, बिलासपुर के 48, हमीरपुर के 40, कुल्लू के 25, किन्नौर व ऊना के 22, लाहौल स्पीति के 13 व सिरमौर के 11 मामले शामिल है। वहीं प्रदेश में शनिवार को 945 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इनमें कांगड़ा के 277, शिमला के 231, मंडी के 101, सोलन के 89, कुल्लू के 66, बिलासपुर के 40, ऊना के 38, हमीरपुर के 37, चंबा के 27, लाहौल स्पीति के 15, किन्नौर व सिरमौर के 12 लोग शामिल हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 44,405 हो गई है, जिनमें से 8,247 मामले सक्रिय है। हिमाचल में प्रभावित हो सकती है पेट्रोल डीजल की सप्लाई। तेल कंपनियों और टैंकर यूनियन के बीच शुरू हुए विवाद के चलते हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सप्लाई करने वाले टैंकरों की आवाजाही को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बाद टैंकर यूनियनें बिफर गई हैं। शनिवार को ऊना टर्मिनल से तेल की आवाजाही भी प्रभावित रही। आशंका जताई जा रही है कि अगर यह विवाद जल्द खत्म नहीं होता है तो 1-2 दिन में ही हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की किल्लत गहरा सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय सहित जिला प्रशासन और टैंकर यूनियनों के बीच वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने के चलते पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। किसान आंदोलन में शामिल होकर हिमाचल के बागवानों ने सिंघू बॉर्डर पर चलाया ट्रैक्टर। किसान आंदोलन में शामिल होकर हिमाचल के बागवानों ने भी सिंघू बॉर्डर दिल्ली हरियाणा पर पहुंचकर ट्रैक्टर चलाया। फूल, सब्जी एवं फल उत्पादक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हरीश चौहान के नेतृत्व में सेब बागवानों ने यहां पहुंचकर सेब के लिए MSP घोषित करने की मांग की।
इनका कहना है कि अनुबंध फार्मिंग और बड़ी कंपनियों के बाजार में आने से छोटा बागवान पिसेगा। चौहान ने कहा है कि देश का किसान सब जगह कृषक आंदोलन में खड़ा है, उसे खड़ा भी होना चाहिए। सभी को किसान बागवान के लिए इस अद्भुत आंदोलन में खड़ा होना चाहिए। ऐसा आंदोलन कई सदियों के बाद होता है जिसे किसान अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। बुजुर्ग महिला से लाखों की ठगी मामले में पश्चिम बंगाल से दबोचा आरोपी। पुलिस ने 2.73 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर कुल्लू लाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार थाना कुल्लू में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे एक फोन कॉल आया जिसमें आरोपी ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर उससे बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन व ओटीपी की जानकारी ले ली और फिर खाते से पेंशन के 2,73,000 रुपए निकाल लिए। पंजीकृत मुकदमे में एक विशेष जांच टीम ने मुख्य आरोपी असीमानंद भट्टाचार्य 52 पुत्र श्याम दास भट्टाचार्य निवासी बामुनारा जिला पश्चिम वर्धमान वेस्ट बंगाल को वेस्ट वर्धमान से गिरफ्तार किया। इसे न्यायालय में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर कुल्लू लाया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बोले, जिला बिलासपुर कोरोना से सबसे अधिक सुरक्षित। बिलासपुर बचत भवन में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए हिम सुरक्षा अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। बैठक में 25 नवंबर से लेकर अब तक इस अभियान के तहत जिला में सामने आए असर को लेकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अभियान को लेकर फीडबैक भी ली। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जिला बिलासपुर पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सुरक्षित है। यहां अधिकारी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। एक सप्ताह में 2,300 सैंपलिंग का टारगेट जिला को मिला था, लेकिन यहां 2,415 सैंपल जुटाए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ सख्ती से कार्य किया जा रहा है और बढ़ते खतरे के चलते प्रदेश सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकार प्रशासन के माध्यम से कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। क्यों नहीं छोड़ा पदभार, क्या सरकार के आदेशों को नहीं मानते पठानिया। प्रदेश वन विभाग में तबादला आदेशों का 20 दिन बाद भी पालन न करने पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कड़ा संज्ञान लिया। शनिवार को हमीरपुर में वन विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने डीएफओ से कहा कि तबादले के बावजूद आपने पद क्यों नहीं छोड़ा, क्या आप सरकार के आदेशों को नहीं मानते। निर्देश दिए कि अगले सप्ताह तक डीएफओ अपने अपने पद संभालेंगे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। मृत व्यक्ति को आइसोलेट होने के फरमान के मामले में बैठाई जांच, 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग घुमारवी के 36 साल पहले मृत व्यक्ति का कोरोना सैंपल लेने के मामले और उसे आइसोलेट होने की हिदायत देने के मामले में उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने जांच बैठा दी है। उपायुक्त ने सीएमओ को मामले की तुरंत जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से पूछा है कि कर्मियों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। घुमारवी स्वास्थ्य विभाग की इस गलती से कोविड टेस्ट के आंकड़ों पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार घुमारवी स्वास्थ्य विभाग की टीम 1 दिसंबर को पडियालक पंचायत के गांव बाड़ी में सैंपल लेने के लिए गई। गांव के लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें एक परिवार से मदनलाल, उनकी पत्नी और बेटे के भी सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद मदनलाल को फोन पर स्वास्थ्य विभाग ने संदेश भेजा जिसमें मदनलाल के पिता प्रभुराम के सैंपल लेने की बात कही गई। मैसेज देखकर परिवार वाले हैरत में पड़ गए क्योंकि मदनलाल पिता प्रभुलाल का देहांत हुए 36 साल हो चुके हैं। मदनलाल ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष जताया है। चुल्लाई प्रोजेक्ट के एमडी पर गिरी पेनस्टॉक फटने की गाज, बोर्ड ने किया सस्पेंड। जोगिंद्रनगर के लटभरोल स्थित चुल्लाई में हुआ तृतीय पनविद्युत प्रोजेक्ट के एमडी दिनेश चौधरी को बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। उन पर ब्यास वैली निगम लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 100 मेगावाट की उहल चरण 3 परियोजना में विद्युत उत्पादन के समय की गई टेस्टिंग में पेनस्टॉक के फटने की गाज गिरी है। 16 मई की रात को उस समय पेनस्टॉक फट गया था जब 33x33 मेगावाट का दोहन करने वाली एक टरबाइन को शुरू करने के लिए अभी आधा ही प्रेशर डाला गया था, लेकिन पेनस्टॉक फट गया जिससे परियोजना के अंदर काम करने वाले कर्मचारी समय रहते अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इससे परियोजना को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। परियोजना स्थल में उस समय करीब 20 कर्मचारी मौजूद थे और पूरा एरिया पानी से लबालब हो गया था। पेनस्टॉक के फटने की जांच हुई तो जांच कमेटी ने पेनस्टॉक की गुणवत्ता की जांच भी करवाई। उन रिपोर्टों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन एमडी को सस्पेंड कर दिया गया है। परियोजना के पेनस्टॉक में कुल 3,565 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है।
बोर्ड द्वारा भले ही पेन स्टॉक के फटने का ठीकरा एक अधिकारी के सिर फोड़ा गया है, लेकिन यहां कई अनियमितताएं हुई है। हालांकि यह स्टील प्रदेश के अन्य 5 पावर प्रोजेक्टों के पेन स्टॉक में भी फट चुकी है और सवाल उस समय भी उठे थे कि जब इस स्टील का परिणाम बोर्ड के सामने था तो फिर यह स्टील इस परियोजना में क्यों लगाई गई। परियोजना की गुणवत्ता पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि जो परियोजना 2008 में 432 करोड़ रुपए में पूरी होनी थी उस पर अब तक 2000 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो चुकी है, लेकिन अभी भी उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। परियोजना के डायरेक्टर सिविल सुशील सागर शर्मा ने पुष्टि की है कि एमडी दिनेश चौधरी को सस्पेंड किया गया है। अब निर्णय लिया गया है कि 935 मीटर पेन स्टॉक को बदला जाएगा ताकि परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूरा करना, जयराम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूरा करना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला से वेक्सपो इंडिया 2020 की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कर्नाटक से हुए भारत के सबसे बड़े वर्चुअल शिक्षा वेबिनार में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार पर आधारित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। इसमें हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच मौलिक कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति उनमें सम्मान की गहरी भावना विकसित करने की परिकल्पना समाहित है। इस नीति की परिकल्पना शिक्षार्थियों में न केवल विचार बल्कि भाव, बुद्धि और कर्म से भी भारतीय होने पर गर्व होने की भावना उत्पन्न करना है। जयराम ने वेक्सपो इंडिया और इसके संस्थापक डॉक्टर एस के नारायणन स्वामी की तरफ से विश्व को वर्तमान शिक्षा ज्ञान के माध्यम से जमीन स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक जोड़ने की परिकल्पना के लिए किए प्रयासों की सराहना की। झंडूता और सुंदर नगर में खुलेगी नई आरट्रैक कैंटीन, सरकार ने जारी किया बजट। बिलासपुर के झंडूता और मंडी के सुंदर नगर में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और आश्रित परिवारों की सुविधा को एक एक आरट्रैक ईएसएम कैंटीन खुलेगी। सरकार ने दोनों कैंटीनों के लिए 45.63 लाख का बजट जारी किया है। सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यम से सीएसडी कैंटीन प्रबंधकों को यह बजट आवंटित कर दिया गया है। दो जिलों में खुलने वाली नई सीएसडी की आरट्रैक कैंटीन के माध्यम से सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को खाद्य सामग्री समेत बर्तन, शराब व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण समेत अन्य सामान मिलेगा। वर्तमान में दोनों उपमंडलों के सैनिकों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध करवाए जाने वाले सस्ते सामान के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्रदेश में 1.25 लाख के करीब सैनिक और पूर्व सैनिक है। इन्हें सीएसडी कैंटीनों के माध्यम से खाद्य व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को नहीं मिलेगी पैरोल, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लिया फैसला। हिमाचल में विकराल रूप धारण कर रहे कोरोना वायरस से कैदियों को बचाने के लिए अब सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर नहीं भेजा जाएगा। कैदियों को आने जाने की वजह से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हालात सामान्य होने तक जेल मुख्यालय ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि असामान्य परिस्थिति में ही अब कैदी को पैरोल दी जाएगी। डीजी जेल सोमेश गोयल ने बताया कि पिछले कुछ समय में पैरोल से लौटे कई कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी वजह से साथी कैदी भी संक्रमण की चपेट में आ गए। ऐसे में दवा बनने और प्रदेश में हालात सामान्य होने तक पैरोल सामान्य रूप से नहीं दी जाएगी। गोयल ने बताया कि जेल कर्मियों को भी छोटी अवधि की छुट्टी न देने और अकारण सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है। कोशिश यही है कि कोविड की अगली वेव से कैदियों को बचाया जा सके। आईएएस अधिकारी अस्पतालों में देखेंगे कोविड व्यवस्थाएं, विभाग ने मुख्य सचिव को भेजी सूची। प्रदेश सरकार के आईएएस अधिकारी जिनको विभागीय सचिवों का जिम्मा दिया गया है वह जिलों में जिम्मेदारी देखेंगे। जिलों में मौजूद अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इनको परखने का काम विभागीय सचिव भी देखेंगे। अभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने इन सचिवों की एक सूची बनाई है जिसको मुख्य सचिव को भेजा गया है। पिछले कल ही इनकी जिम्मेदारी तय करने को कहा गया था। सरकार चाहती है कि अस्पतालों में कमियां सामने आए ताकि इस संकट के समय में उनकी भरपाई की जा सके और कहीं कोई कमी ना रहे। इस पर गंभीरता दिखाते हुए मॉनिटरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार से जो 3 सदस्यीय टीम यहां पर आई थी उसने अपने सुझावों में कहा था कि वरिष्ठ अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि उनका फीडबैक मिल सके। अधिकारी भी अस्पतालों का दौरा करेंगे। हालांकि उनके पास स्वास्थ्य विभाग नहीं है, परंतु फिर भी वह प्रशासनिक रूप से कमियों को ज्यादा परख सकते हैं। ऐसे में सरकार को ज्यादा अच्छा फीडबैक आएगा, तभी सचिवों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपकर अस्पतालों के दौरे करने को कहा जा रहा है। अगले सप्ताह से उनके दौरे शुरू होंगे और वह अपने अपने जिलों की रिपोर्ट सरकार को सौंप सकेंगे। इसके साथ उनको अस्पतालों में मनसे सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इससे पहले मंत्रियों की भी ड्यूटियां लगाई हैं, मगर अभी तक मंत्री उन जिलों में नहीं पहुंचे हैं जहां की उनको जिम्मेदारी दी गई है।